दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की ताजा खबरों में ई पास को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राज्य या देश में कहीं भी घूमने फिरने के लिए ई पास आपको एक ही वेबसाइट से बनाना होगा, जिसे केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दिया है। तो जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, अब मास्क नहीं पहनने पर लगाया जा सकता है 42 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की सजा, तो इसके बारे में पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, एक खबर यह भी आ रही है कि अब 15 जून से शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल खुलने की उम्मीद भी जगी है। तो क्या है पूरी खबर, हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर अब केंद्र सरकार ने अपने नियमों में बदलाव किया है। जी हाँ, इस बारे में अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना खत्म हो जाए और देश में फिर से पहले जैसी चहल पहल शुरू हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं सभी खबरों को। पहली खबर, पूरे देश में अब एक जगह से बनेगा ई पास, केंद्र सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन के चौथे फेज का ऐलान किया है। वहीं अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में ई पास जारी करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके द्वारा आप ई पास प्राप्त कर विभिन्न राज्यों में यात्रा कर सकेंगे। ये पास नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC के द्वारा जारी की जाएगी। वेबसाइट serviceonline.gov.in/ePass पर जाकर आप 17 राज्यों में यात्रा करने के लिए ई पास अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर ई पास के लिए कुछ खास लोग अप्लाई कर सकेंगे। वो खास लोग हैं स्टूडेंट, आवश्यक सर्विस प्रोवाइडर, टूरिस्ट, तीर्थयात्री, आपातकालीन या चिकित्सा यात्रा के लिए। इस वेबसाइट पर विभिन्न कैटेगरी के अनुसार कोई भी ई पास के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 15 जून के आसपास खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल, लागू हो सकते हैं ये नियम। जी दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू हो गया है और 31 मई को खत्म होगा। इस पूरे मामले पर एक अधिकारी ने बताया कि 15 जून के आसपास शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं। इसके एक दो हफ्ते बाद सिनेमा हॉल को खोलने की मंजूरी भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि मार्च के अंत से देश के सभी जगहों पर शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल बंद है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर किया बड़ा बदलाव। जानिए अब डाउनलोड करना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हो गया है, जो कि 2 हफ्ते बाद 31 मई को खत्म हो जाएगा। इस लॉकडाउन 4 में कई तरह की ढील दी गई है, जिसमें गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना कोई जरूरी नहीं है। ये एक वैकल्पिक रूप में है और इससे आप डाउनलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी। ऐप से जुड़े नियमों में काफी ढील दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज, रिकवरी रेट 38% पहुंचा। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देख भले ही लग रहा हो कि कोरोना ने भारत में अब खतरनाक रूप ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल दुनिया भर से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, वे कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हैं। भारत में भी जब कोरोना का कहर शुरू हुआ, तब से अब तक 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन कोरोना संक्रमित मरीजों में से 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस लिहाज से देश में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 57,000 के पार है। रात की बात यह है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 38% हो गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना बना सकती है भारत में 12 करोड़ लोगों को गरीब, 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकते हैं बेरोजगार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां समाप्त हो सकती है और 12 करोड़ लोग गरीबी के गर्त में गिर सकते हैं। एक रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का सबसे बुरा असर नौकरियों के नुकसान, गरीबी में बढ़ोतरी और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रूप में निचले पायदान के लोगों पर पड़ेगा। इसके कारण सकल घरेलू उत्पाद में भी तेजी से गिरावट हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 12,000 बसों से वापस लाए जाएंगे प्रवासी मजदूर। जी दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 2 महीने से लागू लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी मजदूर घर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अन्य फंसे हुए प्रवासियों को वापस लाने के लिए राज्यों में 12,000 बसें भेजेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अधिकारी के पास 200 बसें होंगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
दिल्ली में शुरू होगी बस टैक्सी और ऑटो सेवा, लेकिन इन शर्तों के साथ होगी यात्रा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली के लिए लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की है। इस दौरान राजधानी दिल्ली में कैब टैक्सी बस सर्विस को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के चौथे चरण में बसों को चलाने की इजाजत दी है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें भी रखी गई है। आपको बता दें कि बसों में सिर्फ 20 यात्री ही एक बार में यात्रा कर सकेंगे। सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान बस डिपो यह सुनिश्चित करेगा कि बस में यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। बस अड्डे या स्टाफ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू होगा। बस में यात्रा करने वाले हर शख्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मास्क ना पहनने पर 42 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल। जी हाँ दोस्तों, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की जंग से लड़ रहा है। ऐसे में विश्व के कुछ देशों में मास्क ना पहनने पर कड़ी सजा देने का प्रावधान भी है। कुवैत और कतर में अगर कोई व्यक्ति मास्क पहनना भूल जाए तो उन्हें जेल की सजा के साथ उन पर भारी जुर्माना लगाए जाने का फैसला लिया गया है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दोषी पाए जाने वाले शख्स को 3 महीने की कैद हो सकती है, जबकि कतर में इसके लिए 3 साल तक की कैद की सजा रखी गई है। यही नहीं, कुवैत में अधिकतम जुर्माना 5,000 दिनार यानी $16,200 और कतर में ये जुर्माना 3 गुना ज्यादा यानी 2 लाख रियाल यानी कि $55,000 या 42 लाख रखा गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, 8 वैक्सीन का हो रहा है ट्रायल, WHO ने दी यह अहम जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के कारण दुनिया के तमाम देश संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया का हर देश इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए तेजी से रिसर्च कर रहा है, लेकिन अब तक इसके खात्मे में किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली है। कुल 8 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, वहीं अन्य 110 वैक्सीन पूरी दुनिया में विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं, ये जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ओप्पो की फैक्ट्री में पाए गए 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कंपनी को किया गया बंद। जी हां दोस्तों, ओप्पो कंपनी का फोन बनाने वाली नोएडा स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले 6 वर्कर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अपने वर्कर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ओप्पो कंपनी ने अपने फैक्ट्री में काम बंद कर दिया है। कंपनी का कहना है कि जब तक उनके पास 3,000 वर्कर्स की कोरोना संक्रमण की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी फैक्ट्री में काम बंद रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गेंद पर नहीं होगा सलाइवा का इस्तेमाल, ICC क्रिकेट टीम ने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली गेंद पर सलाइवा के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। इसके बाद ICC ने साफ कर दिया है कि क्रिकेट जब दोबारा शुरू होगा तो गेंद पर सलाइवा का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी गेंद पर अब थूक नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि अनिल कुंबले की अगुवाई वाली ICC की कमेटी ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन की घेराबंदी में भारत भी शामिल, WHO है जांच को तैयार। जी हां दोस्तों, दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के प्रसार और उसे रोक पाने में नाकामी को लेकर चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की घेराबंदी शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन यानी EU, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, भारत और रूस समेत लगभग दुनिया के 120 देशों ने खतरनाक वायरस के स्रोत का पता लगाने और इसे निपटने के लिए WHO की भूमिका की निष्पक्ष और वृद्ध जांच की मांग की है। आपको बता दें कि WHO प्रमुख ने संगठन की भूमिका का जांच का वादा किया है, वहीं चीन ने अपने पक्ष को सही ठहराया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन 4 में पर्सनल गाड़ी से शहर या राज्य के बाहर जाने का क्या है नियम। जहां दोस्तों, लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार की नई गाइडलाइंस के आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर वो अपनी पर्सनल गाड़ी से कहीं जाना चाहे तो जा सकेंगे या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि इसका फैसला राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ हालात के आधार पर करेगी। यानी अगर किसी को लखनऊ से बनारस जाना है या UP, तो UP सरकार इसके लिए गाइडलाइन तय करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान, गुटखा तंबाकू पर भी लगाया गया बैन। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में हर राज्य रियायतें दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन चौथे चरण को लेकर कई रियायतों का भी ऐलान किया है। इसी क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है। इसके साथ ही बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा। साथ ही राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 से 15 जुलाई तक होगी CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, डेट शीट जारी। जी हां दोस्तों, CBSE बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक CBSE 10वीं की परीक्षा होगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1.5 सीट शेयर की है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट और ताजा खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।